शनिवार सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक मॉल में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से मॉल के अंदर धुआं धुआं हो गया और उसमें फंसे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को दमकल विभाग ने बड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया। दिखाएंगे आपको आगे कि मॉल के अंदर कैसे और किस दुकान में लगी ये भीषण आग। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। शनिवार सुबह तकरीबन 6:15 बजे गुरुग्राम फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना मिली कि गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 43 में बने ग्लोबल फोयर मॉल में अचानक आग लग गई है। आग की लपटें तो बाहर नहीं दिखाई दी, लेकिन धुएं की वजह से आसपास का इलाका पूरी तरीके से काला पड़ गया। जब लोगों ने कॉल की दमकल विभाग को, दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और देखा कि पूरा मॉल काले धुएं से घिरा हुआ है। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं जब सुबह सुबह इस ग्लोबल फोयर मॉल में अचानक आग लगी। जब दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंची, टीम यहां पर पहुंची, तो उन्होंने जो मॉल है वहां पर हाइड्रा मशीनें लगाई और शीशे तोड़कर वहां से धुआं निकाली गई और यह भी सर्च किया गया कि कोई अंदर तो नहीं फंसा है। दमकल विभाग की टीम ने अंदर फंसे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को सकुशल बाहर निकाल लिया, उनका रेस्क्यू कराया। तीनों ही गार्ड्स अलग अलग फ्लोर पर ड्यूटी कर रहे थे और उसी दौरान इस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर एक बार एंड ब्रेवरी में अचानक आग लग गई। इस बार में फ्रेश बियर बनाने का काम किया जाता था, लोगों को सर्व की जाती थी और इसमें बताया जा रहा है कि आग लगी फर्स्ट फ्लोर पर, यह बार है और इसमें आग लगने की वजह से इस पूरे मॉल के अंदर धुआं फैल गया, क्योंकि ये मॉल चारों तरफ से बंद है, शीशे इसमें मॉल में चारों तरफ लगे हुए हैं और अंदर इतना धुआं हो गया कि अंदर सांस लेना दूभर हो रहा था। इसीलिए दमकल विभाग की गाड़ियों ने, दमकल विभाग की टीमों ने इस मॉल में अलग अलग जो शीशे लगे हुए हैं फ्लोर्स पर उनको तोड़ा ताकि अंदर का जो धुआं है उसको निकाला जा सके और पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके। दमकल विभाग की टीमों को भी इस धुएं को निकालने में और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। गुरुग्राम के तमाम फायर स्टेशन से दर्जनों गाड़ियां यहां पर मौके पर भेजी गई ताकि इस मॉल में लगी आग और धुएं को जल्द से जल्द काबू किया जा सके और अगर कोई अंदर फंसा हो तो उसको सही सलामत बाहर निकाला जा सके। इस सूचना के बाद कि गोल्फ कोर्स रोड पर ग्लोबल फोयर मॉल में आग लगी है, चारों तरफ हड़कंप का माहौल था, गुरुग्राम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई और जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया गया ताकि उनकी सेहत की जांच की जा सके कि उनके अंदर ज्यादा धुआं तो नहीं गया है, कहीं ऐसा ना हो कि धुएं की वजह से कुछ देर बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और उनकी मौत हो जाए। हालांकि आग किस वजह से लगी इन बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार कोशिश कर रही है जो आग अंदर लगी थी और जो धुआं था उसको बाहर निकालने की और ये भी जांच करेगी कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। मॉल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर बार एंड ब्रेवरी में लगी आग की वजह से आसपास की दुकानें भी चपेट में आई है। मॉल के अंदर जो एक्सकलेटर लगे हुए थे वो भी चपेट में आया और उसकी वजह से सेकंड फ्लोर तक ये आग पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम समय से मौके पर पहुंच गई और समय रहते इस आग को काबू कर लिया गया, अन्यथा ये हादसा और बड़ा हो सकता था। आपको एक जानकारी और दे दें कि इस मॉल के अंदर मर्सिडीज गाड़ियों का शोरूम है, अंदर करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। गनीमत ये रही कि किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ इस आग की वजह से, क्योंकि दमकल विभाग की टीम की मुस्तैदी की वजह से इस आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। कुछ लोग जो अंदर से रेस्क्यू किए गए थे सिक्योरिटी गार्ड्स, उसका क्या कहना है वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। सर, फायर ब्रिगेड आई थी, मशीन उससे निकाला गया, हमारे सर ने फोन किया है, बहुत उनका दिल से शुक्रिया साहब। मैं कितने लोग फंसे हो सकते हैं अंदर? नहीं, कोई नहीं, बस 2 लोग थे, एक तीसरा अशोक था लड़का चौथे फ्लोर पे, वो भी निकाल लिया गया है। कितनी आग के अंदर किस वजह से लगी थी कुछ मालूम पड़ा? आग नीचे लगी 2 फ्लोर पे, पता नहीं, हमारे ऊपर तो धुआं ही धुआं था साहब, निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं। गुरुग्राम के मॉल्स में या हाई राइज बिल्डिंगों में आग से निपटने के लिए कितने पुख्ता इंतजाम होते हैं? इस तरह की जब घटना सामने आती है तो उससे पोल खुल जाती है, क्योंकि अगर इस मॉल में फायर से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होते, यहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को अगर इस बात का प्रशिक्षण दिया गया होता कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए उससे कैसे निपटना है, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।